नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। और हम लोग 4 लाख सदस्य से ज्यादा बड़े परिवार के रूप में अवस्थित हो गए हैं, यानी कि सब्सक्राइबर बढ़ के 4 लाख क्रॉस कर चुका है और निरंतर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ती रहेगी। बीच में वीडियो बनाने का जो मेरा कंटिन्यूटी था उसमें थोड़ा ब्रेक लगा है, कारण है थोड़ा जॉब चेंज हुआ है, तो इस कारण थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, लेकिन बहुत जल्द उसका भी सोल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ और बिल्कुल निरंतर कंटिन्यू आप लोग के साथ बना रहूँगा। और इसी तरीका से हम सारे लोग संगीत के सफर पे आगे बढ़ते रहेंगे और 4 लाख हुआ है, मंजिलें और भी है, 5 लाख और फिर 10 लाख, ऐसे ही लोग जुड़ते चले जाएंगे। आप लोग का प्यार है, ऐसे बढ़ते रहेंगे। ओके, आज जो आप लोग के साथ में मिलने का मन बनाया है वो खास बात यह है कि 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि यूट्यूब के जरिए जो सीखते हैं, जैसे जो क्लास नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं, सिर्फ यूट्यूब से सीखते हैं, तो उनके लिए मेरा एक सलाह रहेगा, मेरा एक सजेशन रहेगा खास, कि आप लोग अगर यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, कैसे आप सीख सकते हैं। सिर्फ मेरे ही चैनल के जरिए नहीं, किन्हीं भी अच्छे लोग जो और भी लोग हैं जो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं मेहनत करके, लेकिन उसमें थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है वो उस बात पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो वो पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि रियाज जो बैठते हैं करने के लिए, किन्हीं के पास 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना भी वक्त होता है, तो उस टाइमिंग में क्या रियाज हो सकता है, क्या उस रियाज को के टाइमिंग को और बढ़ा सकते हैं, या फिर सिर्फ बैठ के रियाज करते हैं उसी समय रियाज हो सकता है, या उसका और भी क्या तरीका हो सकता है। तो ये 2 मुख्य बात है। ये दोनों बात पे मैं चर्चा करने से पहले एक खास पॉइंट दिखाने वाला हूँ, जो पहले सुनिए, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड है। ओके, एक सॉन्ग है, क्लासिकल सॉन्ग है, राग मालकोस का, रफ़ी साहब के द्वारा गाया हुआ। इसके एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बताऊँगा। जब मैं सीखने का सिलसिला मेरा शुरू हुआ था तो उस समय इस पॉइंट का जो है मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव था और उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट आज जो मैं बताने वाला हूं, वो क्या था। मन तड़पत परिदर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगरे विनती करत हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको एक बार और सुनिए फिर मैं बताता हूं। विनती करत हूं रखियो लाज। अब ये जो अभी मैं गा रहा हूं ना, जब मैं सीखना शुरू किया था और कुछ दिन सीखा था, रियाज हो रहा था, सॉन्ग वगैरह गाने लगा था, तो ये सॉन्ग जब मैं गाने की कोशिश कर रहा था तो ये पॉइंट नहीं आ रहा था। ये जगह बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रहा था, तो मेरे जहन में ये चीज़ हमेशा, ये नहीं कि जिस समय रियाज करने बैठते थे उसी समय ये बात आती थी, जब मैं पढ़ाई करने जाता था, रास्ते में होता था, कोचिंग में होता था, दोस्तों के साथ होता था, खेलने में होता था, तो भी ये बात हैमरिंग करता था ब्रेन के अंदर कि ये विनती करता हूँ, तो ये नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो कोशिश करते थे, अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ बॉलिंग करते हुए हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ तो भी ये पॉइंट, साइकिल चला रहा हूँ तो भी, रास्ते में हूँ तो भी, यानी कि हर हमेशा ये पॉइंट गूंजते रहता था और ये तब तक गूंजता रहा जब तक कि इस चीज़ को मैंने थोड़ा बहुत उसको करने में सक्षम नहीं हो पाया, तब तक ये चलता रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये आदत सी बन गई कि किसी भी तरीका के क्रिटिकल सॉन्ग के किसी भी पार्ट को जब लगता था कि रियाज के टाइम में वो नहीं हो रहा है या कोशिश अभी जारी है, तो वो सिर्फ रियाज के टाइम में कोशिश जारी नहीं रहती थी, चलते फिरते कहीं भी किसी भी काम में है, खाली वक्त है, तो उस पॉइंट को गुनगुनाना पहली बात, और उसी चीज़ को बार बार सुनना, ये मेन पॉइंट है कि जो चीज़ नहीं हो रहा है पहले उसी चीज़ को बारंबार बारंबार जब हम सुनते हैं
तो क्या होता है कि वो मेरे दिमाग में उसके स्वर बैठना शुरू हो जाता है, और जब हम ट्राई करते हैं तो कोशिश करने में अगर गलती होती है तो वो पता चलता है खुद को। तो ये पॉइंट, दो पॉइंट इस बात से निकल के जो सामने आई कि एक चीज़ जो आपसे नहीं हो रहा है उसको अगर उपलब्ध है, सुनने के लिए चीज़ है, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो उपलब्ध है, रिकॉर्डेड है, उसी चीज़ को आप पहले बार बार सुनिए। एक साधे सब सधे कहावत है कि एक चीज़ अगर आप बार बार उसको सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सुनना पहले ज़रूरी है। सीखने की प्रक्रिया में जो पहली बात आती है वो होता है सुनना, देखना, समझना। सेकेंड आता है कोशिश करना, रियाज करना, प्रैक्टिस करना। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ रियाज और कोशिश अपने आप से किए जा रहे हैं और आपको करना क्या है ये समझदारी अगर नहीं आई है तो आपका मेहनत रंग नहीं ला पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट कि सुनना बहुत ज़रूरी है, और एक चीज़ जो चीज़ पे टारगेट कर ली, अगर सिंपली है सारे गम पधनी सा, सपोज कि कोई भी नर्स है और सिर्फ सारे गम पधनी सा या अलंकार सरगम का रियाज कर रहे हैं, तो जब तक ये स्वर परफेक्ट नहीं हुआ, बजा के हारमोनियम के साथ कर रहे हैं तो हारमोनियम बजा के, और बिना बजाए हुए भी अगर ये नहीं हुआ है तो ये तब तक इसको छोड़िए मत। भले लेसन आगे बढ़ रहा है, दूसरा तीसरा, इस पर भी मैं आऊँगा। मैंने कहा दो पॉइंट, तो पहला पॉइंट लगभग चल रहा है कि रियाज करने का टाइमिंग कैसे बढ़ेगा। कोई 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50 मिनट रियाज के टाइम में करते हैं, लेकिन उस रियाज के जरिए अगर आपको कुछ लगा कि ये चीज़ नहीं हो रहा है और आपके पास खाली वक्त है, तो उस समय भी वीडियो में उपलब्ध है तो उसको सुनिए खाली टाइम में, और कोशिश करिए, ट्राई करते रहिए। दूसरी बात, मैंने अभी जो कहा कि सारे गामा अलंकार परफेक्ट कैसे होगा, सारे गामा बधनी सा, तो गा तो लिए लेकिन क्या परफेक्ट हुआ? और जिसका सारे गामा परफेक्ट हो जाता है तो बाकी चीज़ें भी होने लगती है। सा नी द प म ग रे सा, बजा के तो हो गया, इसके साथ साथ चल रहा है, सारे गम पधनी सा, ऐसे आ रहा है क्या? अगर ऐसे आ रहा है तो हर नोट अल्टरनेट हो रहा है क्या? सारे सा ग सा म सा प सा ध सा नी सा 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 नी सा ध सा प सा म सा ग सा रे सा सा। ये एक बार में तो होगा नहीं, तो क्या इसी को करते रहें? नहीं, दूसरा तीसरा चीज़ भी अगर कर रहे हैं कि रियाज आपका उबाऊ नहीं हो, मन लगा रहे, तो भी अगर आपको लग रहा है कि ये अलंकार रियाज मेरा अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, स्वर ज्ञान की कमी आ रही है, तो इसको रियाज में रखना है, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, अब जो पॉइंट मैं बताया हूँ, पहला पॉइंट कि सेकेंड पॉइंट कि यूट्यूब के ज़रिए सीखने वाले लोगों के लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप किन्हीं का, इसी से वो भी रिलेटेड बात है कि आप किन्हीं का भी वीडियो देख रहे हैं, एक लेसन देखे उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश पहले उसको पूरा कर लीजिए आप। ये नहीं कि अब है क्या कि एक लेसन किन्हीं का देख रहे हैं, थोड़ा बहुत देखे और फिर लगा कि थोड़ा ट्राई किए, एक चल रहा है, दूसरा नीचे से आ गया, फिर दूसरा दिन दूसरा वीडियो देखना शुरू किए, तीसरा देखना शुरू किए, इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। एक रियाज, मैंने कहा कि एक साधे सब सधे, सिर्फ अलंकार सरगम दस थाट, ये अगर आपके जहन में बैठ रहा है, आ रहा है, समझदारी हो रही है, तो उससे आपको बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे गम अलंकार शुरू किए, दो दिन किए, तीसरा दिन कर, फिर कुछ और करना शुरू कर दिए, तो इससे बहुत लाभ नहीं मिलता है। यानी कि यूट्यूब के जरिए भी आप सीख सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखिए कोई भी एक रियाज जो आपको लग रहा है कि ये हमसे नहीं हुआ है, ये हमको करना चाहिए, वो कम से कम 1 वीक प्रैक्टिस उसका ज़रूर करिए। और बहुत अच्छा अगर रियाज है तो उसको आप रिवीजन प्रैक्टिस में रखिए, जैसा मैंने कहा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण बहुत सारे लोगों से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, नोटेशन वाले वीडियो बहुत सारे हमारे लोग बना के दे रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। अगर आपको 4-5 गाना सीखने का शौक आपको है कि सिर्फ इतना ही हमको सीखना है, तो आप नोटेशन से ज़रूर सीखिए। लेकिन अगर आपको कुछ और सीखना है, मतलब करना है कि अपने मन मर्जी से आप करें, गावें, ये करें, जो मर्जी वो गाना गावें, तो नोटेशन की आदत कम कर देना है, धीरे धीरे छोड़ देना है, क्योंकि सारा खेला स्वर ज्ञान पे डिपेंड करता है। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
कि मिनिमम रियाज क्या करें, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम का कहीं अंत नहीं है, मिनिमम रियाज क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ये दो पॉइंट की यूट्यूब के जरिए सीखना है तो एक को कम से कम एक सप्ताह रियाज करिए किसी भी अच्छे लेसन को देख के। दूसरा, अपने रियाज में बैठने के टाइम में जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये अभी अधूरा है, नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ रियाज के टाइम में ही नहीं, चलते फिरते उसको सुनते हुए गुनगुनाते हुए उसके टाइमिंग को बढ़ाइए और उसको तब तक मत छोड़िए जब तक वो पूरा ना हो। एक चीज़ छोड़ के दूसरा ट्राई करेंगे पीछे छूट जाएगा, ये आदत बन जाएगी, फिर हर एक लेसन के साथ हर एक प्रैक्टिस के साथ यही प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ये दो जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को जहन में रखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब लगातार आप लोगों से मिलूं, और कुछ दिनों के बाद तो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो रहा है, जॉब का मेरा टाइम ज़्यादा निकाल पाऊँगा। फिलहाल 4 लाख हमारे मेंबर जो आप तमाम लोग हुए हैं उनको फिर से बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक मेंबर से शुरुआत होकर आज हम लोग 4 लाख क्रॉस कर गए, कई सारे कंट्री से लोग देख रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग निरंतर बैठे रहिए, कॉमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।